बाप कस्बे में आज दोपहर 2 बजे कानासर चौराहे पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा चालक को झपकी आने की वजह से हुआ। ट्रेलर चालक व खलासी को मामूली चोटें आई। जानकारी के अनुसार पंजाब से पशु आहार से भरा ट्रेलर गुजरात के पालनपुर के लिए जा रहा था। ट्रेलर पलटते ही मौके पर पहुंचे खुशाल चंद पालीवाल व उनके साथियों ने कैबिन में फंसे चालक अर्शदीप सिंह व खलासी को बाहर निकाला। एहतियात के तौर पर उसे बाप के सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन मामूली चोट आने की वजह से उसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद ट्रेलर में भरी पशु आहार की बोरियाँ बिखर गई थी। रावरा गांव में आज गुरुवार को पूर्व सरपंच पहाड़ सिंह रावरा ने आवारा गोवंश को लापसी बनाकर खिलाई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में पशुओं की हालत भी खराब हो रही है, ऐसे में असहाय लोगों के साथ साथ आवारा पशुओं के बारे में भी सोचना होगा। इसी संदर्भ में गांव व आसपास आवारा विचरण कर रहे 200 से अधिक गोवंश को लापसी बनाकर खिलाई गई। साथ ही अन्य लोगों के साथ गाँव में स्थापित सोलर कंपनियों से भी मवेशियों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया गया। बाप कस्बे में आज गुरुवार को सनातन धर्म प्रेमियों ने रामनवमी का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ अपने अपने घरों में ही अपने परिवार के साथ मनाया। घरों में श्रीराम की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें घर में बनाए मिष्ठान का भोग लगाया गया। दोपहर 12 बजे कई सनातन धर्म प्रेमियों ने अपने घरों की छतों पर थाली, शंख व घंटियां बजाकर खुशी मनाई। शाम को घरों की मुंडेर पर दीप जलाए गए। दीपों की झिलमिलाहट की रोशनी से दीपावली सा आभास हो रहा था। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हर कोई संवेदना दिखाकर जरूरतमंदों के साथ अन्य कई प्रकार के सहयोग कर इस महामारी को हराने के लिए एक दूसरे का हौसला अफजाई करने के साथ सरकारी नियमों का सख्ती से पालना करने को कहा जा रहा है। इसी बीच एक शिक्षक का संवेदनहीनता से भरा व्यवहार भी सामने आया है। नंदू के विजयनगर स्थित वेलनेस सेंटर में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों के साथ एक शिक्षक बड़ा ही क्रूरता के साथ बात करते हुए उन्हें अपनी औकात तक दिखा रहा है। उनका कसूर इतना ही है कि वे बाहर रहकर मजदूरी कर रहे हैं। विपदा के समय वे घर वापस आए तो सरकारी नियम के अनुसार उन्हें वेलनेस सेंटर में रहना पड़ रहा है। इसी विद्यालय का सामने आए वीडियो में पानी के लिए तरस रहे लोगों को वह चुपचाप खड़े रहने तथा कह रहा है कि जितना ज्ञान है उसी औकात में रहकर बात करने जैसी बातें कर रहा है। सामने लोग निर्मलता से बात कर रहे हैं, लेकिन वह उनके साथ पूर्ण रूखा व्यवहार अपनाए हुए हैं। शिक्षक का नाम स्वरूप गीला बताया जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी उसने टांके में से पानी निकालकर उनके बर्तनों को भर दिया था। गंडियाली निवासी आदम खां पुत्र नीरू खां दिल्ली में तबलीगी जमात मरकज नहीं गया था, लेकिन वह कापरेडा में जिस मदरसा में पढ़ाता था वहां के 7 जने मरकज से होकर आए थे। ऐसे में उसका उन लोगों के साथ संपर्क हुआ होगा। इसी आशंका में उसे संदिग्ध की श्रेणी में लेकर कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में चल रहे स्थानीय प्रशासन व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बीती रात 10 घंटे लगातार कार्रवाई कर उसे तड़के 4:30 बजे MDM जोधपुर के लिए रेफर कर दिया। रेफर से पहले वह वेलनेस सेंटर में ही था। इस दौरान गंडियाली के नायब तहसीलदार रमजान खान व चिकित्सक सिकंदर व केलंसर के चिकित्सक डॉक्टर रामनिवास विश्नोई भी वहीं थे। बाप BCEMO डॉक्टर दाऊलाल चौहान ने बताया कि आशंका है कि वह संदिग्ध हो सकता है। जांच में वह स्वस्थ है। उसके परिवार व उसके आसपास के लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। इसमें सामने आया कि आदम खां 31 मार्च की रात 12 बजे अपने बाइक लेकर कापरराड से रवाना हुआ था। रात को वह बावड़ी बापिनी आऊ होते हुए घंटियाली पहुंचा। घर आने के बाद वह घर में आइसोलेशन में ही रहा था। बाप उपखंड क्षेत्र के देगावड़ी, सिवंदी व हिंडाल गोल निवासी एक एक व्यक्ति दिल्ली होकर आए हैं। हालांकि सामने आया है कि तीनों तबलीगी जमात के मुख्य कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए थे। उनके आने की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन ने तीनों को संबंधित वेलनेस सेंटर पर रखा गया है। BCEMO डॉक्टर दाऊलाल चौहान ने बताया कि जांबा PSC चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई ने देगावड़ी व सिवंदी में दोनों के घर जाकर उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जाँच की, साथ ही आसपास के लोगों के प्रशिक्षण को भी स्वास्थ्य के प्रशिक्षण भी किया। सभी सामान्य मिले। वेलनेस सेंटर में भर्ती तीनों का स्वास्थ्य भी सामान्य है।
डॉक्टर विष्णु के साथ रईस खान भी थे। डॉक्टर विष्णु के अनुसार दोनों 1 से 2 फरवरी को पहले जोधपुर गए। जोधपुर में 16-17 फरवरी को हुए जलसे में भाग लिया। इसके बाद वे दिल्ली चले गए। दिल्ली में 19-20 फरवरी को रुके। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पहले एक छोटे से गांव टपरी में जमात के साथ रुके। इनका कार्यक्रम 40 दिनों तक चलता है, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर लॉकडाउन हो गया। 27 मार्च को एक ट्रक में बैठ